हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की सेकंड टीम के बारे में, जो कि रिव्यू करने वाले हैं कि ये टीम कैसा परफॉर्म करने वाली है और इस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो ये टीम जो है, मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये टीम मतलब वो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना स्कूल में, तो वो काफी फेमस होते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, कभी कभी नहीं लाते, और दो बार वो फर्स्ट भी आए हैं। और लेकिन उनके जो पापा है ना, वो स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केकेआर टीम की, जो कि शाहरुख खान की टीम है। ये बेसिकली दिल्ली के है, रहते मुंबई है, और जो कि टीम है इनकी केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगी और ये टीम बैलेंस है कि नहीं। तो इसी के बारे में आज जानेंगे कि इनके पास स्ट्रेंथ क्या है और कितने प्लेयर्स हैं टोटल। तो आइए जानते हैं। तो इनके पास भी 22 प्लेयर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के पास, और इस टीम की कैप्टेंसी जो है वो लीड कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। वैसे तो श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स की भी कैप्टेंसी लीड की थी, और काफी बढ़िया उन्होंने कैप्टेंसी की थी, और ये अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए थे एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन। वो बहुत अच्छे हैं, बट उनकी जो फॉर्म है ना वो ऊपर नीचे रहती है, लेकिन कैप्टेंसी उनकी अच्छी है। उन्होंने अपनी दिल्ली कैपिटल्स का एक ऐसा टाइम था जब वो 14 मैचों में सिर्फ 3 या 4 मैच जीते थे। जीतेगा कौन आईपीएल ये नहीं पता था, लेकिन एंड में दिल्ली कैपिटल्स होगी ये सबको पता था। दिल्ली डेयर डेविल्स, हाँ यही थी, यही नाम था पहले, फिर उसके बाद नाम चेंज किया, इनके काम भी चेंज हुए, उसके बाद ये प्लेऑफ्स में पहुंचे, फिर फाइनल में भी पहुंचे। तो श्रेयस अय्यर कैप्टनसी तो बहुत बढ़िया करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैप्टन के अलावा बैट्समैन में और कौन कौन है। तो श्रेयस अय्यर कैप्टन है और बैट्समैन भी है, प्रॉपर बैट्समैन। इनके पास 4 प्रॉपर बैट्समैन है, और सेकेंड है मनदीप सिंह, और तीसरे हैं नीतीश राणा, जो कि काफी टाइम से जुड़े हुए हैं केकेआर के साथ, और चौथे हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को बहुत कम चांस मिलते हैं, लेकिन पिछले साल इन्होंने बताया था कि इनमें कितना दम है। वो टीम हार, वो मैच केकेआर हार गई थी, लेकिन रिंकू ने मतलब जिता ही दिया था। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, जैसे कि आपने पिछले आईपीएल में देखा था कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया थी, ये बॉलिंग भी करवा लेते हैं जब टीम को जरूरत हो। अनुकुल रॉय, शकीब अल हसन आपको पता है कि कितने नंबर वन ऑलराउंडर है तीनों फॉर्मेट में, और डेविड वीस जो है नामीबिया के वो है प्लेयर है, बट इनकी जो है कंसिस्टेंसी T20 में काफी टाइम से है, तो इसलिए ये आईपीएल पहले भी खेल चुके हैं, तो इसलिए इनका दोबारा चयन हुआ है। और उसके बाद है ऑलराउंडर में हमारे आते हैं आंद्रे रसेल, जो कि केकेआर के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से है। जिस दिन ये चल जाए ना, तो उस दिन फिर किसी को चलने की जरूरत नहीं है, ये वन साइड जिता देंगे। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और फील्डिंग इनकी तीनों मतलब ये 3D, ये प्रॉपर जो है ना 3D प्लेयर है। अगर 3D की डेफिनेशन होना तो इनसे कोई सीखे, दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन। और विकेट कीपर में एन जगदीशन है, इन्होंने रणजी ट्रॉफी में, इनका पहले ये चेन्नई की तरफ से थे और इतने ज्यादा इनको मौके नहीं मिले, बट इनका जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस है बहुत अप लेवल का है, मतलब सेंचुरी इन्होंने बनाई हुई है, तो मुझे लग रहा है इनको चांस मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के मैचेस में मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि जगह नहीं बनती नीतीश राणा, उसके बाद श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में, तो फिर श्रेयस अय्यर तो कैप्टन है, तो मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में इनकी चांस बनेगा। अगर बनेगा तो वेंकटेश अय्यर की जगह बनेगा, तो मुझे नहीं लगता अभी इनका चांस बनेगा। और विकेट कीपर लिटन दास और रहमानुल्ला गुरबाज दोनों को रखा गया। ये लिटन दास की पहले बात करते हैं, इन्होंने मतलब काफी टाइम से ना ओपन कर रहे हैं, और T20 और ODI में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। IPL में इनकी सिलेक्शन नहीं होती थी, इस बार हुई है, और आपको याद ही होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो कि T20 मैच हुआ था, वो इंडिया जीता। अगर वो KL राहुल अगर वो रन आउट नहीं करते ना, तो वो मैच हार गई थी इंडिया। लिटन दास ने सिंगली वो मैच जिता देना था,
बट किस्मत अच्छी थी वो कि राहुल की डायरेक्ट थ्रो जो है लिटन दास आउट हुए और कोलैप्स होगी पूरी बांग्लादेश टीम। तो उसके बाद रहमानुल्ला गुरबाज, ये पूरे ना मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं, मतलब कोई फेयर नहीं है विकेट खोने का। ये इन्होंने मतलब अपने 6 ओवर में ना ये नहीं देखना कि कोई नेक्स्ट बैट्समैन कितने आउट हुए, इन्होंने अपना चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का। और ये मतलब इनकी एज भी कोई ज्यादा नहीं है, 21 साल का यार ये लड़का है और इसकी स्ट्राइक रेट भी ठीक है 137 की और अच्छा बैट्समैन है यार ये। तो मुझे लग रहा है इन दोनों में से ना स्टार्टिंग के मैचेस में एक को खिलाया जाएगा 100%, क्योंकि केकेआर चाहेगा कि शुभमन गिल तो उनकी तरफ से नहीं खेल रहे, तो इन दोनों की जगह किसी एक को ओपन कराया जाए अय्यर के साथ, वेंकटेश अय्यर के साथ। यार ये नाम भी क्या है, वेंकटेश अय्यर नाम नहीं बोला जाता यार। तो बॉलर मैं आपको बताता हूँ, वैभव अरोड़ा जो कि पहले किंग्स इलेवन पंजाब में थे और इन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई थी, ये वाला लास्ट पिछला इनका फर्स्ट आईपीएल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 मैचों में 3 विकेट ली थी और 9.2 की इकोनॉमी है। और लॉकी फर्ग्यूसन जो है केकेआर के प्राइम बॉलर रहने वाले हैं जिसमें कोई डाउट नहीं है, हर्षित राणा कुल उसके बाद ये यंग बॉलर है कुलवंत, और उसके बाद एक सुनील नारायण, तो आपको पता है सुनील नारायण भी काफी टाइम से है तो ये भी खेलने वाले हैं, ये इनके प्राइम ऑलराउंडर रहने वाले हैं, बॉलर आप बोल सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर इनका ओपनिंग का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो ये सुनील नारायण से भी करवा सकते हैं ओपनिंग, और टीम साउथी रहने वाले हैं, बट मुझे नहीं लगता कि टीम साउथी को मौका मिलेगा क्योंकि ऑलराउंडर और 3 प्लेयर तो मुझे लग रहा है कि 12-13 मैच वो खेलेंगे नहीं, 10-12 मैच खेलेंगे। तो अब देखते हैं, और सुरेश शर्मा, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव, तो ये टीम होने वाली है केकेआर की। तो इसमें से मुझे जो लगता है कि ये प्लेइंग 11 में खेलेंगे, आइडियली मेरी प्रेडिक्शन है जो कि मैक्सिमम मैचेस खेलने वाले हैं और स्टार्टिंग के मैचेस खेलने वाले हैं, तो उसमें ओपन करेंगे वेंकटेश अय्यर और गुरबाज, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने पहले भी ओपन की हुई है और उनको उनकी उनको पता है कि ओपनिंग में रन बनाना, 6 में रन बनाना स्ट्राइक रेट रखना होता है मेंटेन करके, तो वो रखते हैं। और उसके साथ में है गुरबाज, तो गुरबाज का स्ट्राइक रेट वैसे ही मतलब वो 6 ओवर अगर खेल गए तो वो मतलब 6 ओवर में 60 या 70 रन बना देते हैं और अच्छी बैटिंग है, वो वेट नहीं, अगर आउट हो गए तो आउट हो गए सहवाग की तरह। तो वन डाउन आएंगे श्रेयस अय्यर, ये तो मतलब 100% श्योर है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे ये रखेंगे मनदीप सिंह को, क्योंकि मनदीप सिंह अच्छे बैट्समैन है, कोई बुरे बैट्समैन नहीं है, पंजाब के साथ लॉन्ग टाइम से जुड़े थे, इतने मौके नहीं मिले, और आरसीबी के साथ भी जुड़े थे लेकिन अच्छे बैट्समैन है। या तीसरे नंबर पे आएंगे मनदीप सिंह या चौथे नंबर पे आएंगे अय्यर, लेकिन मनदीप सिंह 100% खेलेंगे क्योंकि 4 ओवरसीज प्लेयर जो उन्होंने खिलाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आएंगे तो यार 5वें नंबर पे आने वाले हैं नीतीश राणा जो कि कन्फर्म है, और उसके बाद 6वें नंबर पे आने वाले हैं आंद्रे रसल। आंद्रे रसल का ये रहता है कि वो जल्दी आ जाए ना तो वो उनका उनसे हिटिंग किए बिना रहा नहीं जाता, तो मुझे लग रहा है कि वो 6वें नंबर पे ही खेलेंगे। पहले मतलब जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो तो वो 6वें या 7वें नंबर पे ही खेलते हैं, लेकिन इस बार जो है 2-3 प्लेयर जो है केकेआर के पास नहीं है तो मुझे लग रहा है वो 6वें नंबर पे ही खेलेंगे। और उसके बाद 7वें नंबर पे आने वाले हैं सुनील नारायण जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, वो सिर्फ बैट घुमाते हैं तो और बॉलिंग भी करवाते हैं, तो 7वें नंबर पे खेलेंगे सुनील नारायण। और 8वें नंबर पे खेलेंगे शार्दुल ठाकुर, इंडियन प्लेयर होने वाले हैं वो, तो 8वें नंबर पे शार्दुल ठाकुर होंगे। तो 9वें प्लेयर होंगे वरुण चक्रवर्ती, और 10वें नंबर पे होने वाले हैं उमेश यादव, और 11वें नंबर पे होने वाले हैं लॉकी फर्ग्यूसन। तो देखा जाए कि इनके पास बैट्समैन जो है प्रॉपर बैट्समैन है, 1-2-3 वेंकटेश्वर अय्यर, गुरबाज, श्रेयस अय्यर और मनदीप सिंह, नीतीश राणा, और ऑलराउंडर है इनके पास आंद्रे रसेल और सुनील नारायण, और उसके बाद प्रॉपर बॉलर जो है वो 4 है, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव और लॉकी फर्ग्यूसन।
मतलब आप बोल सकते हो कि इनके पास 6 बॉलर हैं, रसल, नारायण ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव और उसके बाद लोकी फर्ग्यूसन, जिनमें से स्पिनर जो है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है। तो अगर जिस दिन किसी बॉलर का दिन खराब होगा तो वो कोटा भी पूरा करवा सकती है केकेआर। तो अब देखने लायक होगा कि इनके पास सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर है कि अगर वेंकटेश अय्यर या आंद्रे रसल कोई भी भगवान ना करे इंजर्ड हो जाता है तो इनके पास बैकअप है कि नहीं है। तो जी हाँ, इनके पास बैकअप जरूर है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये आइडियल 11 रहने वाली है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों रहने वाली है। देखो, आईपीएल में आपको पता ही है कि 7 जो है वो इंडियन होने चाहिए और 4 ओवरसीज प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। तो 4 जो ओवर इंडियन का तो मैंने आपको बता दिया, उसमें तो कोई बात करने लायक है नहीं टॉपिक के बारे में। लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो क्यों नहीं रिमूव करेगी ये 4 प्लेयर? क्योंकि ये जो 4 प्लेयर है वो काफी, ये 3 प्लेयर जो है काफी लॉन्ग टाइम से है केकेआर के साथ और केकेआर को ट्रस्ट है और केकेआर उन्हीं को पहले खिलवाएगी। लॉकी फर्ग्यूसन और उसके बाद आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, ये 3 तो काफी लॉन्ग टाइम से खेल रहे हैं। और गुरबाज या लिटन दास, इन दोनों में से ना पहले मैच से ही केकेआर किसी और केकेआर किसी मतलब इन दोनों में से ओपन करवाएगी, क्योंकि इनके पास ओपनर नहीं है। मनदीप सिंह को नहीं मुझे लगता कि ओपन करवाएगी। तो मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि गुरबाज या लिटन दास में से कोई एक खेलेगा, लेकिन 90% जो है चांसेस है गुरबाज के ज़्यादा हैं, क्योंकि गुरबाज अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। लिटन दास भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन लिटन दास वो हिटिंग नहीं कर पाते जितनी गुरबाज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि गुरबाज को ये ज्यादा प्रेफरेंस देंगे स्टार्टिंग के मैचेस में। अगर अनलेस अनटिल गुरबाज फ्लॉप नहीं हुए, देन दे विल गो फॉर लिटन दास। सो अब बात करते हैं कि इनके पास सब्स्टिट्यूट प्लेयर, बैटिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि इनके पास वेंकटेश अय्यर या गुरबाज इंजर्ड हो गए तो लिटन दास है इनके पास। और अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो भी इनके पास सब्स्टिट्यूट प्लेयर है और अच्छे क्वालिटी वाले हैं, जो कि नाम लेता हूं मैं तो ऑलराउंडर में अनुकूल रॉय, जो कि इंडिया के हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो अभी इनका मतलब इतना टेस्ट नहीं हुआ, इतने मैचेस इन्होंने खेले नहीं है, पता नहीं कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे कैसा नहीं। पहले ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल चुके हैं। और शाकिब अल हसन और डेविड वीस, ये दोनों ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं तीनों फॉर्मेट में शाकिब अल हसन, आपको पता ही है। बट ओवर, ये दोनों ओवरसीज प्लेयर है, लेकिन केकेआर मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग के मैचेस खिलाएगी इनको, क्योंकि वो पुराने प्लेयर पे इन्वेस्ट करेगी। शाकिब अल हसन भी उनके पुराने प्लेयर है, बट मुझे नहीं लगता मिडिल ऑर्डर पे उनकी जगह बनती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे जब 3 या 4 आउट होते हैं तो देन टीम जो होती है एक्सेलरेट की तरफ जाती है। और शाकिब अल ऐसे प्लेयर हैं जो कि बांग्लादेश की तरफ से वन डाउन भी जाते हैं और 5वें नंबर पे भी खेलते हैं। अगर वन डाउन अगर वो खेल रहे तो देन इट्स गुड, तो क्योंकि वो टाइम लेते फिर एंड में हिटिंग करते हैं। लेकिन अगर 5वें नंबर पे उनका कोई रोल नहीं बनता मेरे हिसाब से, क्योंकि 5वें नंबर पे आपको नीतीश राणा और आंद्रे रसेल जैसे बैट्समैन चाहिए जो मतलब 4 ओवर में 60 बना दें। शाकिब अल हसन के पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो हिटिंग उस टाइप की वो हिटिंग नहीं करते। तो बॉलिंग तो उनकी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि शाकिब अल हसन और अपना डेविड वीस का चांस बहुत कम होने वाला, और ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहने वाले हैं अगर आंद्रे रसेल या कोई भी सुनील नारायण इंजर्ड होते हैं तो, या परफॉर्म नहीं करते तो। बट आंद्रे रसेल का मुझे 100% लगता है कि ये रिप्लेस नहीं होंगे। अगर इनकी इंजरी का एक बड़ा इशू रहता है, ये इंजर्ड हो जाते हैं तीसरे चौथे मैच बाद, ये इंजरी हो जाती है, बॉलिंग करवाएंगे 2 ओवर से ज़्यादा इनकी इंजरी हो जाती है, तो उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे लग रहा है शाकिब अल हसन और डेविड वीस को रखा हुआ। अगर सुनील नारायण को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई या लग गई इंजरी होगी तो शाकिब आएंगे, और अगर आंद्रे को कुछ हो गया तो डेविड वीस आएंगे। और उसके बाद विकेट कीपर इनके पास 3 है जो कि प्रॉपर है, लिटन दास है, रहमान
उल्ला गुरबाज है और उसके बाद एन जगदीशन है। अब बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में अगर लॉकी फर्ग्यूसन को कुछ हो गया या कोई इंजर्ड हो गए तो टिम साउथी खेलेंगे जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, या शार्दुल ठाकुर या वरुण चक्रवर्ती के मतलब कुछ हो गया या कुछ इंजरी कुछ भी होगी तो इनके पास आपको पता ही है कि तीन स्पिनर तो इनके पास है ही है, एक वरुण चक्रवर्ती है और इसके बाद एक सुरेश शर्मा है जो कि 19 साल का लड़का है, उसको भी चांस देंगे मुझे लग रहा है, और वैभव अरोड़ा। तो ये थी इनकी टीम। तो इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर है बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और उसके बाद ऑलराउंडर में भी, तो इन्होंने बैकअप पहले से ही रेडी रखा है और कैप्टन भी इनका जो है बहुत बढ़िया है और बैटिंग भी आती है और कैप्टन को कैप्टेंसी भी आती है श्रेयस अय्यर को, एक्सपीरियंस है इतना नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है आईपीएल का कैप्टेंसी का। तो मुझे लगने वाला है, मुझे लगता है कि केकेआर जो है वो प्ले ऑफ में पहुंचने के चांसेस है केकेआर के, और ये प्ले ऑफ में ज़रूर पहुंचेगी, ये टीम मैं पहली बोल रहा हूं जो प्ले ऑफ में पहुंचेगी। यू नो व्हाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों पहुंचेगी, क्योंकि केकेआर के पास ओपनिंग भी अच्छी है, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन भी अच्छे हैं और सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी हैं और बॉलिंग भी अच्छी है, तो इस रीजन से केकेआर मुझे लग रहा है कि ये प्ले ऑफ में जरूर पहुंचेगी। तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, तो केकेआर के नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट मैंने एक नेगेटिव पॉइंट मैंने ढूंढ लिया। तो नेगेटिव पॉइंट एक इनका ये है कि इनके पास इंडियन बॉलर जो है ना वो इतना एक्सपीरियंस वाला कोई है नहीं, उमेश यादव है लेकिन वो विकेट टेकिंग वाले, मतलब आप बोलते हो कि जैसे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह का नाम लेते हो, भुवनेश्वर कुमार का नाम लेते हो आप, तो वो बॉलर उमेश यादव विकेट्स लेते हैं स्टार्टिंग में लेकिन मतलब वो एंड में डेथ बॉलर नहीं है इनके पास कोई। तो आप कमेंट सेक्शन, लॉकी फर्ग्यूसन है, मैं इंडियन बॉलर की बात कर रहा हूं, इंडियन बॉलर वो बॉलर नहीं है कोई, तो ये इनका एक नेगेटिव ड्रॉबैक, सिर्फ एक नेगेटिव ड्रॉबैक रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत, अगर ओवरसीज के प्लेयर ठीक रहे, उनको इंजरी नहीं हुई तो दैट्स गुड, अदरवाइज केकेआर ट्रबल में आ सकती है क्योंकि डेथ ओवर में ही पिटाई होती है, तो इनके पास शार्दुल ठाकुर को भी पिटाई होती है और उमेश यादव को भी पिटाई होती है, तो और वैभव अरोड़ा को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव ड्रॉबैक है। तो बाकी तो मुझे टीम अच्छी लग रही है। तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपकी राय मेरे साथ मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। तो नेक्स्ट टीम कौन सी होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, या आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि थर्ड टीम मैं कौन सी टीम पे मैं रिव्यू करूं, तो उसी पे करूंगा, अगर ज्यादा कमेंट्स नहीं आए तो फिर मैं अपने मर्जी से ही करूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।